हम प्रेयर करेंगे, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कबूल के शब्द ये रहते हैं, ये कन्फेशन के शब्द होते हैं। हमने अगर हिंदी भाषा में इन शब्दों को बोलना है तो हिंदी भाषा में बोल सकते हैं, इंग्लिश भाषा में बोलना है तो इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं। अगर हमने इसे अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना चाहो तो हम वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। हेवनली फादर, थैंक यू फॉर योर बाउंडलेस लव। I pray for your children who may be sick in their bodies, that they rise from that place of limitation and bondage today and be made healthy and strong. In Jesus' name, Amen. स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरे असीम प्रेम के लिए। मैं तेरी संतानों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो उनके शरीरों में आज बीमार हो। कोई भी जन जो तेरी संतान है, अगर वो अपने शरीरों में बीमार है, आज वह उठ जाए, जिस जगह में उनको सीमित कर रखा है और बंदिश कर रखा है, और वह सेहतमंद और बल भरे हुए बन जाए। यीशु नाम में आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन है, जॉन 10 चैप्टर 10 वर्स, एक्ट्स 3 चैप्टर 16 वर्स, ल्यूक 8 चैप्टर 43 वर्स से 48 वर्स तक। हम हिंदी में बाइबल के जो वचन मिलते हैं मनन करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, आज हिंदी में ये वचन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 10 वचन, प्रेरितों के काम 3 अध्याय 16 वचन, लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 43 से 48 वचनों तक। इंग्लिश में हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। जॉन 10 चैप्टर 10 वर्स, द थीफ कमेथ नॉट बट फॉर टू स्टील एंड टू किल एंड टू डिस्ट्रॉय। I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. और एक बार पढ़ेंगे John 10 chapter 10 verse, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 10 वचन पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 10 वचन BSI बाइबल में से, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 10 वचन,
चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। Acts 3:16 किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। Acts 3:16 एंड किल्ड द प्रिंस ऑफ लाइफ whom God hath raised from the dead, whereof we are witnesses. I'm sorry, 16th verse है ये. And his name through faith in his name hath made this man strong, whom ye see and know. Yea, the faith which is by him hath given him this perfect soundness in the presence of you all. ये वचन है Acts 3:16 किंग्स जेम्स वर्शन में से. एंड हिज नेम थ्रू फेथ इन हिज नेम हैथ मेड दिस मैन स्ट्रॉन्ग होम ये सी एंड नो ये द फेथ विच इज बाय हिम हैथ गिवन हिम दिस परफेक्ट साउंडनेस इन द प्रेजेंस ऑफ यू ऑल. हिंदी में BSI बाइबल में से ये वचन इस प्रकार से है, प्रेरितों के काम 3:16 प्रेरितों के काम 3:16 और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी है. उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है. प्रेरितों के काम 3:16 हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से हिंदी में. और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी है. उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है. Luke 8:43-48 हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे. Luke 8:43-48 एंड अ वूमेन हैविंग एन इशू ऑफ ब्लड 12 years विच हैड स्पेंट ऑल हर लिविंग अपॉन फिजिशियंस नीदर कुड बी हील्ड ऑफ एनी केम बिहाइंड हिम एंड टच्ड द बॉर्डर ऑफ हिज गारमेंट एंड इमीडिएटली हर इशू ऑफ ब्लड स्टैंच्ड एंड जीसस सेड हू टच्ड मी व्हेन ऑल डिनाइड पीटर एंड दे दैट वेयर विद हिम सेड मास्टर द मल्टीट्यूड थ्रॉंग दी एंड प्रेस दी एंड सेयेस्ट दाउ हू टच्ड मी And Jesus said, Somebody hath touched me, for I perceive that virtue is gone out of me. And when the woman saw that she was not healed, she came trembling and falling down before him. She declared unto him before all the people for what cause she had touched him and how she was healed immediately. And he said unto her, Daughter, be of good comfort. Thy faith hath made thee whole. Go in peace. और एक बार पढ़ेंगे ये Luke 8:43-48 किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे. And a woman having an issue of blood 12 years which had spent all her living upon physicians
neither could be healed of any, came behind him and touched the border of his garment, and immediately her issue of blood stanched. And Jesus said, "Who touched me?" When all denied, Peter and they that were with him said, "Master, the multitude throng thee and press thee, and sayest thou, Who touched me?" And Jesus said, "Somebody hath touched me, for I perceive that virtue is gone out of me." And when the woman saw that she was not hid, she came trembling and falling down before him. She declared unto him before all the people for what cause she had touched him, and how she was healed immediately. And he said unto her, "Daughter, be of good comfort, thy faith hath made thee whole, go in peace." लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 43 से 48 वचन पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 43 से 48 वचन हम पढ़ेंगे हिंदी BSI बाइबल में से। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, "मुझे किसने छुआ?" जब सब सुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, "हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है." परंतु यीशु ने कहा, "किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है." जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, "बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा." लूका 8 रचित 43 से 48 वचन और एक बार पढ़ेंगे। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, "मुझे किसने छुआ?" जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, "हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है." परंतु यीशु ने कहा, "किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है." जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, "बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा." धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर आज के समय में जो हमने प्रार्थना कबूली शब्द बोले और जो वचन हमने पढ़े मनन के। अब फादर गॉड, हमारे चित्त में ये वचन भले तरह से परमेश्वर प्रकाशनों के द्वारा चमकते रहे, रोशनी देते रहे, हमारी अवस्थाओं को, हमारे इर्द गिर्द और हमारे हर एक पिता चिंताओं के जो भी विषय हैं, सभी बातों में ये वचनों का काम होता जाए और हम फिट एंड फिक्स होते जाए नासरी यीशु के डिवाइन ईश्वरीय जो अवस्थाएं हैं, जो ईश्वरीय व्यवस्थितपन है, डिवाइन ऑर्डरलीनेस है,
हम उसमें प्रवेश कर पाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमेन आमेन आमेन।